तुम लोगों को जिंदा रखेगा। अब ये जवान हो गई है, जशन इसे नहीं छोड़ेगा। I'll take my revenge. यहाँ किसी शक्ति का संचार हो रहा है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द फिल्मी तड़का पर। तो दोस्तों आज हम एक बार फिर से लेकर आ चुके हैं साउथ के टॉप एट बेस्ट सस्पेंस मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर एक्टिविटी बेस्ड मूवी, जिनके स्टोरी लाइन में आपको यूनिक कॉन्सेप्ट वाली मूवी देखने को मिलने वाली, और साथ ही साथ यह सभी मूवीज आपको सस्पेंस की कमी बिल्कुल ही महसूस नहीं होने देगी। और आज के वीडियो की सबसे अच्छी बात यह है कि आज हम आपको जितनी ही मूवीज के बारे में बताएंगे उन सभी मूवीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, तो एक बार जाकर चेक जरूर करें। तो अब आगे वीडियो में बढ़ने से पहले दोस्तों हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसे ही लगातार वीडियोस का अपडेट पाते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। इट्स एन इमरजेंसी। तो दोस्तों हमारी आज के वीडियो में नंबर 8 के प्लेस पे जो मूवी आती है वह 2023 की रिलीज एक बेहतरीन एक्शन ड्रामा एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का नाम है अगस्त 16, 1947 और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6 है out of 10, जो एक ठीक ठाक रेटिंग मानी जाती है। यह तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी में भी सेम नाम से रिलीज किया गया है। फिल्म की कहानी हमें 1947 के टाइम पीरियड के बारे में दिखाया गया, जहां पूरा भारत आजादी मिलने की खुशी मना रहा होता है, तो वहीं दूसरी ओर भारत के दूर दराज इलाके में स्थित सेंगाड़ू नाम के गाँव में कुछ ब्रिटिशर्स आम लोगों पर जुर्म उठा रहे होते हैं। हालांकि फिल्म की कहानी में ट्विस्ट आता है जब परम नाम का एक लड़का ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाता है तो वह ब्रिटिशर उसे मारने की कोशिश करते हैं। अब आगे मूवी में देखना यह होता है कि जब पूरा भारत आजादी की खुशी मना रहा होता है तो सेंगाड़ू गांव के ब्रिटिश अफसर गांव वाले पे जुर्म क्यों उठा रहे होते हैं, और इवन परम जब उन ब्रिटिशर के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसके साथ क्या होता है, ये सब जानने के लिए आप एक बार इस मूवी को ट्राई जरूर करें। देखा जाए तो दोस्तों यह एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है जिसे आपको किसी भी हाल में मिस नहीं करनी चाहिए, और अगर आपने अभी तक इस मूवी को मिस किया तो आपने बहुत ही बेहतरीन मूवी को मिस किया। और अगर आप यह मूवी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको यूट्यूब पे हिंदी देखने को मिल जाएगी, और इस मूवी का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाके चेक जरूर करें। दोस्तों अब हमारी आज के वीडियो नंबर 7 के प्लेस पे जो मूवी आती है वह 2019 की रिलीज एक बेस्ट ड्रामा थ्रिलर एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली है। जी हां दोस्तों, इस मूवी का नाम है टोनी और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.8 है आउट ऑफ 10, जो एक ठीक ठाक रेटिंग मानी जाती है। यह एक हिंदी लैंग्वेज की मूवी है जिसकी फिल्म की कहानी हमें 4 साइकोलॉजी के स्टूडेंट के बारे में दिखाया गया, जो एक चर्च के कन्फेशन बॉक्स में कैमरा लगाते हैं ताकि एक सीरियल किलर अपने किए हुए सभी गुनाहों की चर्च में माफी मांगे तो वह सब रिकॉर्ड हो सके। लेकिन फिल्म की कहानी में ट्विस्ट आता है जब उस सीरियल किलर को इन सब चीजों के बारे में पता चलता है तो वह उन 4 साइकोलॉजी के स्टूडेंट के जान के पीछे पड़ जाता है। अब आगे मूवी में देखने जा होता है कि क्या वह चारों स्टूडेंट उस सीरियल किलर से बच पाते हैं या नहीं, और इवन वह किलर उस चर्च में सभी गुनाहों की माफी मांगने क्यों जाता है, यह सब जानने के लिए आप एक बार इस मूवी को ट्राई जरूर करें। देखा जाए तो दोस्तों यह मूवी आपको अपने फर्स्ट हाफ तक बहुत ज्यादा अमेजिंग लगने वाली है, लेकिन जैसे यह मूवी अपने सेकंड हाफ में पहुंचती है तो यह थोड़ी प्रेडिक्टेबल और बोरिंग हो जाती है। और अगर आप यह मूवी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको यूट्यूब पे हिंदी में देखने को मिल जाएगी, और इस मूवी का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाके चेक जरूर करें। तो दोस्तों अब नंबर 6 के प्लेस में हमारी जो मूवी आती है वह 2024 की रिलीज एक खतरनाक मिस्ट्री एक्शन थ्रिलर ड्रामा एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली है। जी हां दोस्तों, इस मूवी का नाम है भमाकलपम 2 और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.4 है आउट ऑफ 10, जो एक ठीक ठाक रेटिंग मानी जाती है। यह एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी में खिलाड़ी हाउसवाइफ के नाम से रिलीज किया गया है। बात करें फिल्म की कहानी की तो यह फिल्म वहीं से शुरू होती है जहां से इस फिल्म का पहला भाग खत्म होता है। हालांकि फिल्म के इस पार्ट में अनुपमा अपनी पुरानी लाइफ को भुला के एक नई शुरुआत करती है, जिस कारण वह एक नए घर में शिफ्ट होकर अपना नया रेस्टोरेंट खोलने का विचार बनाती है। लेकिन फिल्म की कहानी में ट्विस्ट आता है जब कुछ भ्रष्ट आदमी और पुलिस द्वारा अनुपमा को फिर से परेशान किया जाता है, तो अनुपमा अपने पुरानी लाइफ को फिर से याद करके अपराध की दुनिया में घुस जाती है। तो अब आगे मूवी में देखने जा होता है कि अनुपमा अपने पुरानी लाइफ को भुला के एक नई शुरुआत क्यों करती है, और इवन उसे कुछ भ्रष्ट आदमी और पुलिस वाले क्यों परेशान करते हैं, सब जानने के लिए आप एक बार इस मूवी को ट्राई जरूर करें। यकीनन दोस्तों फिल्म की कहानी काफी बेहतरीन होने वाली है, जो आपको शुरू से लेकर एंड तक बिल्कुल भी बोर होने का मौका नहीं देने वाली है। और अगर आप इस मूवी का फर्स्ट पार्ट और यह वाला पार्ट भी देखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पे हिंदी देखने को मिल जाएगी, और इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाके चेक जरूर करें। गाइस हमारी आज के वीडियो में नंबर 5 के प्लेस पे जो मूवी आती है वह 2023 की रिलीज एक दमदार रोमांस थ्रिलर ड्रामा एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली है। जी हां दोस्तों, इस मूवी का नाम है उर्वा शिवो रक्षा शिवो और इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.8 है आउट ऑफ 10, जो एक एवरेज रेटिंग मानी जाती है। एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी में भी सेम नाम से रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी हमें एक बहुत ही साधारण लड़के के बारे में दिखाया गया है जो बचपन से ही प्यार के मामले में हरदम सख्त बातें किया करता है। हालांकि जब वह लड़का बड़ा होता है तो उसे एक ऐसी लड़की मिलती है जो खुले विचारों वाली होती है, लेकिन फिल्म की कहानी
ट्विस्ट आता है जब वो लड़का उस खुले विचारों वाली लड़की से मिलता है तो उसके जिंदगी पे बहुत ही गहरा असर पड़ता है। अब आगे मूवी में देखने जाओ तक आखिर वह लड़का बचपन से ही प्यार के मामले में सख्त विचार क्यों रखता है, और इवन जब वह लड़का बड़ा होकर एक खुले विचारों वाली लड़की से मिलता है तो उसकी जिंदगी पे गहरा असर कैसे पड़ता है, ये सब जानने के लिए आप एक बार इस मूवी को ट्राई जरूर करें। यकीनन दोस्तों फिल्म की कहानी काफी बेहतरीन होने वाली है जो आपको अपनी एंगेजिंग स्टोरी लाइन के साथ मूवी के एंड तक बांध के रखने वाली है। और अगर आप यह मूवी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको यूट्यूब पे हिंदी में देखने को मिल जाएगी और इस मूवी का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाके चेक जरूर करें। तो दोस्तों अब हमारी वीडियो नंबर 4 के प्लेस पे जो मूवी आती है वह 2019 की रिलीज एक बेस्ट एक्शन क्राइम ड्रामा एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली है। जी हां दोस्तों इस मूवी का नाम है इदक्कड़ बटालियन 06 और इस मूवी की IMDb रेटिंग 4.6 है आउट ऑफ 10। यह एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी में भी सेम नाम से रिलीज किया गया है। फिल्म की कहानी हमें कैप्टन शफीक मोहम्मद के बारे में दिखाया गया जो छुट्टियों में अपने गाँव इदक्कड़ जाता है। हालांकि उसके लिए बहुत ही सही चल रही होती है लेकिन फिल्म की कहानी में ट्विस्ट आता है जब उसका सामना एक बहुत ही बड़े ड्रग माफिया से होता है जो उसके करीबी लोगों के लिए खतरा बन जाता है, तो ड्रग माफिया को खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। अब आगे मूवी में देखने जा होता है कि क्या कैप्टन शफीक मोहम्मद उस ड्रग माफिया को जड़ से खत्म कर पाता है या नहीं, और इवन वह ड्रग माफिया शफीक के करीबी लोगों के लिए खतरा कैसे बन जाते हैं, ये सब जानने के लिए आप एक बार इस मूवी को ट्राई जरूर करें। बेसिकली दोस्तों यह मूवी आपको शुरू से लेकर एंड तक एंटरटेन करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती है, और तो और इस मूवी का ट्विस्ट आपको कलगी लेवल की वाइब देने वाली है। तो अगर आप यह मूवी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको यूट्यूब पे हिंदी में देखने को मिल जाएगी और इस मूवी का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाकर चेक जरूर करें। दोस्तों हमारी आज के वीडियो नंबर 3 की प्लेस पे जो मूवी आती है वह 2024 की रिलीज एक बेस्ट क्राइम थ्रिलर ड्रामा एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली है। जी हां दोस्तों इस मूवी का नाम है अब्राहम ओजलर और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.6 है आउट ऑफ 10 जो एक अच्छी रेटिंग मानी जाती है। एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी में भी सेम नाम से रिलीज किया गया है। फिल्म की कहानी हमें ACP अब्राहम ओजलर के बारे में दिखाया गया है जो एक ऐसे रहस्यमयी और सुलझे केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है जिस कारण उसकी पत्नी और बेटी की जान जाती है। हालांकि फिल्म की कहानी में ट्विस्ट आता है जब ओजलर इस केस को इन्वेस्टिगेट करते करते कैसे सीरियल किलर तक पहुंचता है जो मजे के लिए किसी को भी मार देता तो या केस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब आगे मूवी में देखने जा होता है कि क्या ACP ओजलर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर पाता है या नहीं, और इवन उस सीरियल किलर का ओजलर के केस से क्या ताल्लुक रहता है, सब जानने के लिए आप एक बार इस मूवी को ट्राई जरूर करें। बेसिकली दोस्तों अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो आपको अपने हर एक सीन के साथ एंगेज करके रख दे तो इस मूवी को किसी भी हाल में मिस ना करें। और अगर आप यह मूवी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको यूट्यूब पे हिंदी में देखने को मिल जाएगी और इस मूवी का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाके चेक जरूर करें। से बात की काउंटडाउन ने नंबर 2 की प्लेस पे जो मूवी आती है वह 2020 की रिलीज एक खतरनाक हॉरर थ्रिलर ड्रामा एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली है। जी हां दोस्तों इस मूवी का नाम है ईशा और इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.8 है आउट ऑफ 10 जो एक बेहतरीन रेटिंग मानी जाती है। एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी में भी सेम नाम से रिलीज किया गया है। फिल्म की कहानी में ईशा नाम की एक बहुत ही सीधी साधी लड़की के बारे में दिखाया गया है जिसे कुछ पावरफुल लोग मिलकर जान से मार देते हैं। हालांकि फिल्म की कहानी में ट्विस्ट आता है जब वह लड़की अपनी मौत का बदला लेने के लिए आत्मा बन के एक दूसरी लड़की के शरीर में प्रवेश करती है तो उसे कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब आगे मूवी में देखना यह होता है कि आखिर वह पावरफुल लोग उस सीधी साधी लड़की को क्यों मारते हैं, और इवन क्या वह लड़की अपनी मौत का बदला ले पाती है नहीं, यह सब जानने के लिए आप एक बार इस मूवी को ट्राई जरूर करें। अगर दोस्तों आपको हॉरर के साथ सस्पेंस का भी कॉम्बिनेशन देखना काफी पसंद है तो यह मूवी आपके लिए मस्ट वॉच होने वाली है। और अगर आप यह मूवी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको यूट्यूब पे हिंदी देखने को मिल जाएगी और इस मूवी का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाके चेक जरूर करें। तो दोस्तों हमारी आज के वीडियो नंबर 1 की प्लेस पे जो मूवी आती है वह 2024 की रिलीज एक बेस्ट मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली है। जी हां दोस्तों इस मूवी का नाम है मंजूमल बॉयज और इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.7 है आउट ऑफ 10 जो बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मानी जाती है। यह एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी में भी सेम नाम से रिलीज किया गया है। बात करें फिल्म की कहानी की तो इसमें कुछ दोस्तों के ग्रुप के बारे में दिखाया गया जो तमिलनाडु में स्थित एक पहाड़ पर एडवेंचर ट्रिप के लिए जाते हैं। हालांकि यह एडवेंचर ट्रिप एक नाइटमेयर में तब बदल जाती है जब उनका दोस्त एक गुफा के सबसे गहरे गड्ढे में गिर जाता है। हालांकि फिल्म की कहानी में ट्विस्ट आता है जब उन लड़कों को पता चलता है कि आज तक इस गड्ढे में गिरने के बाद कोई भी जिंदा वापस नहीं आया तो वह और भी बुरी तरीके से डर जाते हैं। अब आगे मूवी देखने जाओ तक आखिर वह लड़का उस गड्ढे में कैसे गिर जाता है और इवन आज तक उस गड्ढे में गिरने के बाद कोई भी जिंदा वापस क्यों नहीं आता, ये सब जानने के लिए आप एक बार इस मूवी को ट्राई जरूर करें। दोस्तों यह मूवी आपको स्टार्टिंग में थोड़ी बोर कर सकती है लेकिन जैसे जैसे यह मूवी आगे बढ़ती है तो आपके सामने कुछ ऐसे ट्विस्ट और सस्पेंस रखती है जो आपको यह मूवी पूरी देखने पर मजबूर करती है। और अगर आप यह मूवी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको यूट्यूब पे हिंदी देखने को मिल जाएगी और मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाके चेक जरूर करें। दोस्तों ये थी हमारी आज की साउथ की टॉप 8 बेस्ट सस्पेंस मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर एक्टिविटी बेस्ड मूवी जिनकी स्टोरी लाइन में आपको यूनिक कॉन्सेप्ट वाली मूवी देखने को मिलने वाली। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।